हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ककड़ी की घारी यानी मीठी पूरी, जिसके लिए हमने ये मीडियम साइज के ककड़ी लिए हुए हैं, कुकुम्बर, आधा किलो गेहूं का आटा, एक कप चावल का आटा, आधा नारियल और गुड़ लिया हुआ है। गुड़ हमने 1/2 किलो लिया हुआ है, 1/4 टीस्पून नमक, 4-5 इलायची ली हुई है जिसे हमने इस तरह से कूट के रखा हुआ है, और फूड कलर लिया हुआ है येलो। नारियल को हम दड़दड़ा पीसेंगे और ककड़ी को छील के ऐसे भी कुरचेंगे। ककड़ी को हम इस तरह से पूरी तरह छीलेंगे। ककड़ी को इस तरह से छील के इसमें से काट के रुको, अगर बीच टाइट है इसमें तो निकाल लेंगे, लेकिन इसमें टाइट बीच नहीं है। बड़ी ककड़ी रहती है उसमें टाइट बीच होती है, तो उसके बीच निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने उसकी बीच निकाल दी। आप इसे इस तरह से ग्रेट करेंगे इसको। देखिए इस तरह से सारी ककड़ी को ग्रेट करेंगे। सारी ककड़ी को हमने इस तरह से ग्रेट किया। आधा नारियल था उसे भी इस तरह से दड़दड़ा पीस लिया जो ग्रेट किया हुआ था इस तरह से। गैस को हमने ऑन करके पतीला रख दिया। अब हम इसमें ग्रेट की हुई ककड़ी डाल देंगे और इसे थोड़ी देर पकाएंगे, 5 मिनट। ककड़ी को हमने इस तरह से 5 मिनट पका लिया। ककड़ी हमारी इस तरह नरम हो चुकी है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। साथ ही साथ नारियल जो कि हमने दड़दड़ा पीस के रखा वो डाल देंगे। नमक डाल देंगे, इलायची डाल देंगे और फूड कलर डाल देंगे और इसे और 5 मिनट पका लेंगे। हमने 5 मिनट आग पका लिया मीडियम फ्लेम पे। गुड़ भी हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करेंगे। हल्का गुनगुना जब रह जाएगा तब इसमें हम आटा डाल के फलाएंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म है गुनगुना, उसे पूरी तरह ठंडा नहीं करेंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे। चावल का आटा लिया, गेहूँ का आटा, उसमें चावल का आटा डाल देंगे। क्वार्टर टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो ककड़ी को हमने पका लिया था वो डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
करके सब डाल देंगे। मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि ककड़ी हमारी छोटी थी इसलिए ज़्यादा अंदर पानी नहीं बना, इसलिए थोड़ा पानी डालेंगे। अगर ककड़ी बड़ी हो तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने पानी में मिक्स होगा आटा। आटा हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसे 6-7 घंटे के लिए रख देंगे, पूरियां बनाएंगे। करीब 7 घंटे बाद हमने चेक किया, आटा हमारा अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसकी घारी बनाने लेंगे। आटे को इस तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा तेल लगा देंगे हाथ को, मिक्स करेंगे और थोड़ा सा लेंगे हाथ में तेल लगा के, इस तरह से छोटा सा पेड़ा लेंगे, इस तरह से एक प्लास्टिक लेंगे, उसको ऑयल लगाएंगे और उस पर पेड़ा रख के ऑयल लगा के इस तरह से पूरी बनाएंगे। पूरी यानी घारी हमारी ना कि मोटी ज़्यादा हो ना पतली हो, मीडियम साइज़ की हो। मोटी होगी तो अंदर से सेकेंगी नहीं और पतली होगी तो ज़्यादा कड़क हो जाएगी। ऑयल हमने गरम रखा हुआ है, इसमें आप इस तरह से लेके घारी को छोड़ देंगे। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। इसी तरह से टर्न करेंगे और पीछे से भी सेक के लेंगे। इसी तरह से घारी हमारी फ्राई हो गई। इसी तरह से दूसरी लेंगे, ऑयल लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी फ्राई करेंगे। इसी तरह से सारी घारी यानी मीठी पूरियाँ हम बना के निकालेंगे। घारी हमारी तैयार है, इसे आप सुबह में चाय के साथ या शाम के चाय के साथ नाश्ते में खा सकते हैं। अगर आपको हमारी घारी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। थैंक यू।